भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पिछले कई महीनों से लगातार चलाए जा रहे रोको टोको अभियान में पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में विक्रमशिला टीओपी के समीप बरारी थाना अध्यक्ष नवनिश कुमार ने अपने दल बल के साथ कार्रवाई करते हुए झारखंड नंबर की एक टाटा जेस्ट वाहन से गांजा की बड़ी खेप बरामद की है। वहीं इसकी आधिकारिक जानकारी देते हुए सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने बताया कि पुलिस को यह सफलता रोको टोको अभियान के दौरान मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस को देखते हैं सभी तस्कर उक्त वाहन के साथ मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने जानबाजी के साथ पीछा करते हुए गांजा से भरी गाड़ी को बरामद कर लिया, जबकि सभी तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। सिटी डीएसपी की माने तो पुलिस ने उक्त वाहन की डिक्की से 37 बंडलों में छिपाकर रखे गए 92 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। दूसरी ओर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने सभी तस्करों को जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही है। भागलपुर से गुंजन कुमार की रिपोर्ट। तो चेकिंग खत्म होने के बाद देखा गया कि एक गाड़ी कार जो है लवारी छोड़ के लोग भाग गए हैं। कार को की तलाशी ली गई तो उसमें 37 पैकेट डिक्की में गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन करीब 92.5 किलो है। फिर सूचना पर मैं भी गया, जब्ती सूची तलाशी और जब्ती सूची बनाई गई और NDPS एक्ट के अंतर्गत कहाँ से सर कहाँ ले जाया गया था। अभी ये गाड़ी जो रुख था उसका वो विक्रमशिला सेतु पर TOP के पास पकड़ी गई है और उसका रुख नगोछिया की तरफ था, उत्तर तरफ। तो हम मान के चल रहे थे कि सेतु पार करने जा रहे थे, लेकिन चेकिंग देख करके जो उसके लोग तो भाग गए, तो जो उसके गाड़ी के वाहन मालिक हैं और अज्ञात अपराध कर्मियों पर हम लोग कान दर्ज करें। कितना 4.5 हज़ार के आसपास से किलो पर 4 लाख से कुछ ऊपर होगा। गाड़ी मालिक कहाँ पता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.